कैसे हैं आप? सो इस वक्त मैं बैठा हूँ पुणे के एयरपोर्ट पे और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पुणे से अपने होम टाउन भावनगर वाया फ्लाइट। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि पुणे से भावनगर के लिए फ्लाइट चलती है, मतलब भावनगर टू मुंबई वगैरह तो ठीक है, वो चलती थी, दिल्ली भी बोल ले तो मान लेंगे, बट भावनगर टू पुणे, भावनगर टू पुणे और पुणे टू भावनगर। जी हाँ, सही सुना आपने। तो कुछ दिन पहले मुझे पता चला और फिर सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। मेरा एक फ्रेंड रहता है पुणे में, तो आ गए घूमने, बढ़िया सा पुणे घूमे और अब चल रहे हैं वापस होम टाउन भावनगर की ओर। तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है ये सुबह 7:55 की, और जो मुझे 9 बजे यानी कि 1 घंटा 5 मिनट भावनगर पहुँचा देगी, और सेम वापस आने के लिए शाम को फ्लाइट मिलती है, वो भी करीब 1 घंटा लेती है और 3,500-4,000 रुपये टिकट मिल जाता है आपको। तो चलिए फिर पूरी बात करते हैं हम डिटेल में। थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, ये एयरपोर्ट की एंट्री है और उसी और थोड़े दूर आपका अराइवल वाला सेक्शन है। जो बात है तो आपको अगर कोई पिकअप करने आया है कार वाला तो वो यहाँ से आपको पिकअप कर सकता है, बट इन केस नहीं तो ठीक यहीं अराइवल के पास ये वॉकवे बना हुआ है, तो इससे आप आगे फूड कोर्ट बना हुआ है, एक मॉल बना हुआ है, और अगर आपका कोई टू व्हीलर वाला आपको छोड़ने आता है तो यहाँ से आपको आगे चल के जाना होगा ऊपर वॉकवे से, जो कि इधर पूरा कनेक्ट होके वहाँ से ये देखिए वॉकवे तो आगे मेन सड़क तक जाता है। तो टू व्हीलर को यहाँ एयरपोर्ट में एंट्री नहीं है, तो ऐसा कुछ है। और चलिए हम फिर अंदर की ओर। जे वाली जो है ये डीजी यात्रा की एंट्री बनी हुई है यहाँ D2 गेट से, तो आपको यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा पंगा नहीं लेना पड़ता, अपना ID वगैरह टिकट सब दिखाओ, चेक वगैरह करवाओ और फिर आप अंदर जाओ। तो अगर आप ऑलरेडी वेब चेक इन कर चुके हो डीजी यात्रा पे, आपने अपना डिटेल्स अपलोड कर दिया है, तो सीधा आप यहाँ से डायरेक्ट अंदर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है पूरा फ्लाइट का सीन, आज का शेड्यूल, तो कब कौन सी ये रही अपनी भावनगर 7:55 वाली, समय पर ही है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर एंड सिक्योरिटी चेक, तो वो उधर बना हुआ है जहाँ से आप गेट से एंटर करते हैं, और फिर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे आ गए डोमेस्टिक वाला आ जाएगा, जहाँ से आप अपना बैग चेक इन वगैरह करवा सकते हैं, और फिर इधर आगे सिक्योरिटी चेक करके अंदर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। डीजी वालों को काफ़ी आसानी हो जाती है, बट सिक्योरिटी चेक तो उनको भी करवाना पड़ता है। सो गाइस अंदर एंटर हो चुका, थोड़ा सा आपको दिखाया, ये चेक इन बैगेज वाला है जहाँ पे आपका बैग स्कैन करके आपको एक टैग वगैरह दे दिया जाएगा, जो कि आपके बैग पे लगेगा ताकि अगर मिसिंग हो जाए तो ढूंढने में सहायता रहे, आसानी रहे। और अब चेक इन काउंटर की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे अपना स्पाइस जेट वाला है मेरा टिकट, तो वो ढूंढना है जो कि बना हुआ है सामने दिख रहा है, और टिकट दिखाना है और अपना बोर्डिंग पास लेना है और चले गए फिर आगे की ओर। सो ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, तो चेक इन कर दिया, मैं था हार्दिक कुमार। तो इधर से ये स्पाइस जेट वाला है और दूसरे ऐसे एयरलाइंस के बने हुए, तो आपको अपनी एयरलाइंस में जाना है चेक इन करना है तो वहाँ पे लगेज दीजिए, तो मेरा तो नहीं है ऐसा कुछ सीन। चलिए फिर सिक्योरिटी चेक करवाते हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी लाइन है, इसको चेक करते हुए अंदर जाएंगे और अपना चेक इन करवाएंगे लगेज वगैरह का और ख़ुद का भी। चलिए फिर। सो गाइस एयरलाइन का सबसे बोरिंग और
टाइम बर्बाद मतलब करने वाला काम कंज्यूम करने वाला वो है। सिक्योरिटी चेकिंग करके आ चुके हैं अंदर और लिखा है प्रवेश द्वार एंट्रेंस गेट 1 से 5, तो हमें बस वहीं जाना है क्योंकि हमारा गेट नंबर 4 है। तो चलिए फिर, तो 1 से 11 इधर है, टॉयलेट्स भी है और खाने पीने के लिए अंदर। तो जैसा थोड़ा बहुत दिखाया, सिक्योरिटी चेक करवा के मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे जहाँ डिपार्चर गेट है, जहाँ से मुझे मेरी फ़्लाइट मिलेगी, तो मुझे गेट नंबर 4 पे बोर्ड करना था, तो वहीं अभी वेटिंग एरिया ये बना हुआ है पूरा। तो 1 से 5 नंबर तक के गेट यहाँ पे है, बाकी के इस साइड से ऊपर की ओर जाना है। तो 11 तक के नंबर 6 से 11 वगैरह सब वहाँ बने हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। और कहीं समझना है तो किसी से पूछ लिया कीजिएगा। तो फिर अभी बच रहे हैं 7:10, तो 7:25 का मेरा बोर्डिंग टाइम है, मतलब मेरी फ़्लाइट प्लेटफॉर्म पे 7:25 को लगेगी। तो तब तक इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मैं पहले आया, और थोड़ा बहुत आने से पहले रिसर्च भी करा था। तो ज़्यादातर सब लोगों ने रिव्यू में यही बोला था कि अगर पुणे एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ़्लाइट अगर आप कोई पकड़ रहे हो तो 2 घंटा कम से कम जल्दी जाया करो, क्योंकि काफ़ी सारी फ़्लाइट से रो इस वक्त भी हर 5-10 मिनट में एक आध फ्लाइट निकल ही रही कहीं की। तो मतलब वहाँ बोर्डिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आती इतनी, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है सिक्योरिटी चेक में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ऑलमोस्ट मेरा 1.5 से ज़्यादा घंटा उसमें गया, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये गए सबके चेक इन करे हुए बैग की ट्रॉली, तो मतलब इसमें रखे जाते हैं और फिर वहाँ प्लेन में लाद दिए जाते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी और बात करूँ तो सिक्योरिटी चेक में मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, अब काफ़ी सारी सहूलियत हो गई है। तो मतलब पहले मैं सोच रहा था कि आम घर पे लेके जाऊँ, क्योंकि यहाँ के जो फेमस आम है रत्नागिरी के, वो आने लगे थे, मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बट थोड़े से अभी महंगे क्योंकि अभी जस्ट सीज़न शुरू ही हुआ है। तो पहले मुझे डाउट था कि लेकिन जाने के कि नहीं ले जा पाऊँगा। तो चेक इन में तो ऑफकोर्स आप डाल सकते हैं, बट ऑन हैंड बैग में भी आप मतलब केबिन बैग में भी आम को लेके जा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के हाथ में इस वक्त पेटियाँ थी आम की बॉक्सेस, तो चेक इन में डालते तो वो आप पे रहता है कि वो मतलब ठीक से संभालेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर टूट टूट जाएगा बॉक्स। अदरवाइज़ आप हैंड बैग में रखिए तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें काफ़ी अच्छा रहा, मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट है फिर भी मुझे 7 kg का हैंड बैग ले जाने जा दिया जा रहा है और 15 kg का चेक इन बैग भी मैं डाल पा रहा हूँ। तो मेरा चेक इन बैग तो है ही नहीं, एक ही थैला लेके आया, वो भी मुश्किल से 4-5 kg का भी नहीं होगा शायद, क्योंकि 4 दिनों के लिए आया था। तो यही कुछ है, बट एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है सिक्योरिटी चेक में वो मुझे वो है कि यहाँ पे सब अपना सामान निकल के रख दिया जाता है, ट्रे आगे चली जाती है, आप पीछे खड़े हैं और जब आपकी बारी आएगी तब वहाँ बाहर जाएगी और आप देखेंगे कि आपका थैला और आपकी ट्रे जिसमें आपने सब अपना पर्स वगैरह मोबाइल सब रखा हुआ है वो कहाँ पे। तो कभी ऐसा लगता है कि अगर किसी ने एक फोन वन कुछ पर्स पर चटका लिया तो क्या, हालांकि ऐसे लोग होते नहीं हैं और सिक्योरिटी चेक है ऑफकोर्स, तो इतना तो ख्याल रखेंगे, बट ऐसे ही ख्याल आता है। तो ऐसा कुछ माहौल है, सब अपने अपनी फ्लाइट के इंतज़ार में। यहाँ से हमारी आएगी भावनगर की, और ये ऑलमोस्ट भावनगर वाले ही है सारे। सो गाइस, खड़ा हूँ एयरपोर्ट के जेंट्स वॉशरूम में, और ऐसा ही सामने की ओर थोड़ा बाजू में बना हुआ है लेडीज़ वाला, तो शीशे लगे हैं और ऐसा कुछ माहौल है। तो ये मेरे पीछे एस्केलेटर बना हुआ है, इसे चढ़ के मैं ऊपर 1st फ्लोर पे आ गया, जहाँ से गेट नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 वगैरह सब जा सकते हैं। उसका पीछे सीटिंग अरेंजमेंट और डिपार्चर वगैरह बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी थोड़ा सा है, तो अगर आप ऐसे ही आते हैं कुछ खाए पीना सुबह अर्ली या फिर रात को, तो वो मिल जाएगा, बर्गर सैंडविच वगैरह सब फास्ट फूड टाइप, और दूसरा भी बहुत कुछ। और अगर आपके पास वो लॉन्च एक्सेस वाला कार्ड है तो लॉन्च भी है, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब छोटा सा एयरपोर्ट है बेसिक सा, बट फिर भी इसके बाजू में इंटरनेशनल वाला भी है जो कि कुछ शायद 2-3 सालों से शुरू हुआ हो, क्योंकि जब रिसेंट कोरोना से पहले मैं थाईलैंड गया था तब तो पुणे में नहीं था इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद बना होगा। तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है।
थोड़ा बहुत ऐसा रिसर्च करा था, देखा था तो डेली की 170-180 फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ और लैंड करती है। तो ये ऊपर वाला पूरा है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा स्पेस है। और अखबार अगर आप पढ़ना चाहे तो वो भी है, मैगजीन्स नहीं है, सिर्फ अखबार है, तो फ्री में ही होता है, उठा लीजिए अगर आपको इन पढ़ना चाहे तो, जो फ्लाइट में बैठ के या फिर यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, रख के भी जा सकते हैं, लेके भी जा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। रक्सैक, और ये देख सकते हैं आप, पानी की बोतल भरी हुई है। और इसको मैं सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर लेके आया, तो पहले वो दिक्कत थी कि आपको पानी लिक्विड वगैरह नहीं ले जाना दिया जाता था, वो पानी लेना दिया लेके दिया जाना ले जा सकते हैं आप। और यहाँ पे वो बना हुआ है पानी पीने के लिए, वो जेंट्स वॉशरूम और उधर लेडीज़ वॉशरूम बना हुआ है, तो ऐसा कुछ माहौल है। और बाकी जनता बैठी है अपने फ्लाइट के इंतज़ार में को ट्रैवलर से, तो हम बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट के लिए फाइनल। तो मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं यार पुणे टू भावनगर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। हम तैयार हैं, ये रही हमारी बस जो हमें हमारे जहाज तक लेके जाएगी। रही हमारी बस जिसने हमें यहाँ उतारा, और ये रहा छोटू सा स्पाइस जेट का फ्लाई विमान हमारा फ्लाइट। तो ये ऐसे पंखे वाला मैं प्लेन काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ, पता नहीं ये मतलब कब तक चलेगा। और वहाँ से सबके बैगेज लोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कतार में लगे हैं अंदर जाने के लिए सब, और मतलब काफ़ी नीचा है यार, बाकी बड़ी सीढ़ी बनी होती है, काफ़ी ऊंचा चढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे तो मतलब 4-5 कदम चढ़ो और प्लेन में अंदर। ओ बहुत छोटू सी फ्लाइट है वे, ये है क्या। तो बैठ चुका हूँ अपनी जगह पे 10D, और मतलब वहाँ पे जब बोर्डिंग पास कलेक्ट कर रहा था तब उनको रिक्वेस्ट करना भूल गया था कि विंडो सीट देना, बट एज आई गॉट लकी एज ऑलवेज तो विंडो सीट मिल गया, बट कोई काम का नहीं है क्योंकि बहुत गंदा है, स्क्रेचेस बहुत पड़े हुए हैं, तो ऐसे भी ठीक से नहीं दिख रहा, पता नहीं शूट में तो क्या कुछ दिखेगा कि नहीं। ठीक ठाक सा है, मतलब बहुत सस्ता वाला प्लेन जो पुराना हो गई, बट ये फ्लाइट चल रही, इसकी वजह ये होती है कि इस वक्त ये फ़्लाइट यहाँ पुणे में पड़ी होती है, और इस वक्त भावनगर से मुंबई के लिए भी फ़्लाइट चलती है, वो स्पाइस जेट की चलती है, तो इस वजह से इस फ्लाइट को वहाँ भावनगर तक खाली तो नहीं ले जा सकते ना, तो शुरू कर दिया पुणे टू भावनगर वाला, और अब भावनगर जाएगी, फिर वहाँ से ये फ़्लाइट वापस मुंबई के लिए जाएगी। तो यही वजह है कि पुणे टू भावनगर फ़्लाइट चल रही है, कि इस फ्लाइट को पुणे से भावनगर तक पहुंचाना पड़ेगा ना। तनिष्का और बेचता के सीनियर कैबिन क्रू हूँ, हम आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ मौजूद है, धन्यवाद।
सेफ्टी गाइडलाइंस वाला सब इंफॉर्मेशन वैसा कुछ है। और ये बोतल मेरी है, यहाँ पे रखी हुई नहीं थी। और इसके अलावा एक ये काम की चीज़ होती है, तो अगर आपको उल्टी वगैरह होती है, ऐसा कुछ दिक्कत रहता है, तो ऐसा एक बैग रखा हुआ होता है, इस थैली के अंदर अपना उल्टी कीजिए, वोमिट कीजिए और फिर इसको कूड़े में डाल दीजिए, तो ये इसके लिए है। भावनगर दिखने लगा, भावनगर का समंदर है ये। Thank you for driving with FlightShip. Have a wonderful day ahead. Jai Hind. तो पहुंच चुके हैं, जनता सारी उतरने को तैयार कतार से। तो ऐसी कुछ सीट्स है, सीट बेल्ट लगे हुए हैं, सामान। और ये रहा अपना रक्सेक। तो पहुंच चुके हैं भावनगर एयरपोर्ट। ये खड़ी अपनी छोटू सी स्पाइस जेट, जो कि पुणे से भावनगर तक पहुंचा ही दिया हमें। ये रहा अपना प्लेन और ये रहा छोटू सा भावनगर का एयरपोर्ट, जो कि कुछ ऐसा है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। तो यहाँ से अंदर और अराइवल, छोटू सा ही है भावनगर का एयरपोर्ट। ये रहा वॉशरूम, एक पीने का पानी वाला फाउंटेन, मतलब फ्रीज़र। और ये ट्रॉली बैग्स है, और यहाँ पे सबके आती है जो चेक इन बैग होते हैं वगैरह, तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से वाले बेल्ट पे आपके बैग आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही है भावनगर में, तो सब जनता तैयार। ऑटो वगैरह भी मिल जाती है, ये है भावनगर एयरपोर्ट के बाहर का एरिया। तो ऑटो जो अभी फ्लाइट यही वापस मुंबई जाएगी, तो उसमें जो पैसेंजर आए होंगे तो उनके लिए रुकी हुई होगी, और आपके जो रिलेटिव्स लेने आते हैं वो भी यहीं आ सकते हैं। तो टू व्हीलर फोर व्हीलर सब यहाँ तक आ सकता है। और ये रहा इसका एंट्रेंस और एग्जिट दोनों। सो गाइस, पहुँच चुके हैं फाइनली पुणे टू भावनगर बाई फ्लाइट। तो 9:10 हुए बाहर आ गए, तो 9 लैंड कर दिया था, 1 लगा। तो एक्सपीरियंस तो मतलब वही ठीक ठाक वाला रहा, इतनी कुछ कंफर्टेबल तो फ्लाइट नहीं थी, बट छोटी सी है, कुछ 80-85 लोगों की, तो चल जाता है, मतलब 1 में कोई दिक्कत नहीं है। 3,500 रुपये के आसपास टिकट पड़ता है, अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं और जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छा ऑप्शन है, तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं गया था ट्रेन में, वापस फ्लाइट में आया हूँ, बट कभी दिक्कत रही या फटाफट जाना हो तो जाने के लिए भी फ्लाइट प्रीफर कर सकते हैं। शाम को फ्लाइट निकलती है यही, और सुबह आती है, तो ऐसा कुछ सीन है। तो बस यही कुछ थी मेरी जर्नी पुणे टू भावनगर वाया स्पाइस जेट फ्लाइट। आई होप सो वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरे पहचानों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप भावनगर वाले हैं और आपको पता भी नहीं कि भावनगर से पुणे के लिए से फ्लाइट मिलती भी है, और इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चला, तो प्लीज़ डू अ कमेंट। और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो दैट्स इट गाइज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए adios।